नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुपल व्यास। पृथ्वी से कौन सा ग्रह कितना दूर है, इस प्रयास में अक्सर वैज्ञानिक जुटे रहते हैं। वहीं कुछ प्रयास सफल होते हैं तो कुछ खोज अब तक जारी है। और हाल ही में नासा ने अपने मार्स इनसाइट लैंडर को भी रिटायर घोषित कर दिया है। जी हाँ, इस लैंडर को मंगल ग्रह पर 2018 में भेजा गया था और यह तभी से वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेज रहा था, पर पिछले कई दिनों से यहां से सिग्नल नहीं मिलने के कारण इसे रिटायर करार कर दिया गया है। दरअसल नासा में बैठे वैज्ञानिक इस बात की खोजबीन कर रहे थे कि मंगल ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है और वहां कितने समय में पहुंचा जा सकता है। और यही नहीं, दुनिया भर के कई देश दशकों से मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहे हैं और चीन तो लगातार स्पेस मिशन में अमेरिका और पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ऐसे में अमेरिका ने भी ठान लिया है कि वो चीन को पीछे छोड़ के ही रहेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक पृथ्वी से मंगल तक का सफर 7 महीने या साल तक का होता है और मार्स पर अब तक गए सभी रॉकेट्स को लगभग इतना ही वक्त लगा है। हालांकि अब एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स पर जाने का समय कम हो गया है। आइए अब जानते हैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम न्यूक्लियर थर्मल एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। अब आप इसे आसान भाषा में समझिए, इसका मतलब नासा ह्यूमन मार्स मिशन के लिए एक ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जिसमें परमाणु ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि रॉकेट को बनाने के लिए क्या तकनीक लगाई जाएगी और रॉकेट कितने समय में ये दूरी पूरी करेगा। रॉकेट बनाने के लिए दो तकनीकों का इस्तेमाल होगा। पहली न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेट को गर्म करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करने पर प्लाज्मा बनेगा जो रॉकेट के नोजल से निकाला जाएगा और जिसमें रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए तेज गति मिलेगी और जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में स्पेसक्राफ्ट या इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मंगल पर जाने के लिए 7 महीने या 1 साल का समय लगता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर हम इसी रफ्तार से इंसान को मार्स पर भेजेंगे तो हर 26 महीने में एक फ्लाइट मंगल के लिए उड़ान भरेगी। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।